Let us start for first of all what is a DBase. You know very well, database management system. इनसे हमने जो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया है वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डीबेस। उसके अलावा लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो, बट हमने ओपन ऑफिस का डीबेस नाम का सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया है। उसके इनसाइड हम टेबल डिजाइन करना पार्ट वन के अंदर लर्न किया था यूजिंग फॉर विजार्ड, बट हम यहाँ पे नए नए पॉइंट्स के साथ हम टेबल भी डिजाइन करेंगे एज वेल एज न्यू कंसेप्ट भी लर्न करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर वन। सबसे फर्स्ट ये पूरे पार्ट्स का मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, उसके बाद ही सेशन वन लर्न करना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट मैं आपको क्लैरिफाई करवा जो ऑलरेडी टेबल आपने डिजाइन किया है। यू नो वेरी वेल टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, टोटल 3 मेथड्स से हम टेबल डिजाइन करते हैं, बट जैसे पार्ट वन के इनसाइड मैंने आपको कैसे टेबल डिजाइन किया था, वेरी गुड, यूजिंग फॉर विजार्ड। इनकेस आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज पार्ट वन के अंदर पूरा पॉइंट्स आप क्लैरिफाई करिए, इसके बाद ही ये सेशन स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे इंसर्टिंग डेटा, इंसर्टिंग डेटा मीन्स व्हाट, जैसे आपने टेबल ऑलरेडी डिजाइन करके बैठे हो, जैसे टेबल आपने डिजाइन किया है उसके बाद ही आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, दैट्स मीन्स इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास टेबल का फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बाद जो ऑलरेडी डेटा मैंने इंसर्ट किया है दैट्स मीन्स एग्जिटिंग डेटा है, उसके ऊपर एडिटिंग करना है। एडिटिंग करना मीन्स व्हाट, मॉडिफाई करना जो टेबल के अंदर मैंने रिकॉर्ड एंटर किया है। सबसे फर्स्ट जैसे एग्जांपल आप मोबाइल के अंदर मेरा नेम ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है इंसर्टिंग डेटा, बाद में मेरे नेम में चेंजेस करते हो, राइट, दैट कॉल फॉर एडिटिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। नेक्स्ट डिलीटिंग रिकॉर्ड, जैसे इन केस वो टेबल के इनसाइड वो रिकॉर्ड का कुछ काम नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, राइट, That means remove the data. तो देखिए record और data both are same. जो already field के inside हम enter करते हैं। Next sorting the data. What is meaning of the sorting? Very good. यहाँ पे जब भी कोई data को proper manage करना हो, proper way में manage करने के लिए आपके पास दो ही option होता है। आपका data alphabetical arrange होना चाहिए, means A to Z होना चाहिए, अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर Z टू एड होना चाहिए, राइट, इसमें 0 to 9 भी हो सकते हैं और 9 to 0 भी होगा। हम सेशन वन के इनसाइड ये सब परफॉर्म करोगे, बट यहाँ जैसे मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया हम पूरा पार्ट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, सबसे फर्स्ट ये डेफिनेशन लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लर्न करने वाले। डेटा रिडंडेंसी मीन्स व्हाट, अननेसेसरी डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। जैसे डेटाबेस के अंदर एक ही डेटा 2 times रिपीट हो रहा है तो एटलीस्ट आपको अलर्ट मिलना चाहिए। आई गिव द बेस्ट एग्जांपल, आपके मोबाइल के अंदर एक ही कॉन्टेक्ट नंबर 2nd time एंट्री करोगे तो अलाउड करेगा, नो, सबसे पहले वार्निंग आती है, यू वॉन्ट टू अगेन दिस नंबर यू कैन एड योर सेल फोन। अच्छी तरह ऑब्जर्व किया तो मालूम पड़ेगा, ये कंसेप्ट को आईटी कंसेप्ट के अंदर क्या बोला जाता है, डेटा रिडंडेंसी, जिससे आपके स्पेस, आपके मेमोरी स्पेस क्या होगी, लेस रिजर्व होगी। नेक्स्ट उसके अंदर ये सबको मैनेज करने के लिए दो पॉइंट्स है, फॉरेन की एंड कंपोज प्राइमरी की। आप बोलोगे सर हमने पार्ट वन के इनसाइड क्या लर्न किया था, प्राइमरी की लर्न किया था, ये वापस न्यू की कहां से आई, डोंट वरी मैं आपको प्राइमरी का रूल्स लिटिल बिट इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद फॉरेन की एंड कंपोज प्राइमरी की के बारे में लर्न करेंगे लिटिल बिट पॉइंट्स। तो फॉरेन की मीन्स व्हाट, तो पूरे टेबल में यूनिक होना चाहिए। आई होप सो, हमने लास्ट में 4 tables बनाए थे, लाइक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सप्लायर। सप्लायर नाम का एक टेबल था, टेबल को बोला जाता था एंटिटी, उसमें जो एस्कॉर्ट था ना वो क्या था, प्राइमरी की। बट हमको यहाँ पे प्राइमरी की के बारे में नहीं लर्न करना है, हमको यहाँ पे क्या लर्न करना है, फॉरेन की एंड कंपोज प्राइमर की, जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लर्न करने वाले हैं। बट एटलीस्ट आपको टेक्निकल वर्ड क्लियर होना चाहिए, इसके लिए पूरे सेशन के अंदर पूरे जितने भी नेक्स्ट सेशन लर्न करने वाले उसका इंट्रोडक्शन है, और ये सीक्वेंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक जितने भी वीडियोज आपने व्यू किए होंगे तो एक दूसरे के साथ ये पूरे पार्ट्स ज्वाइंट किया गया है। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन बेस। अभी आप बोलोगे सर बेस तो ठीक है, आप बेस बोलिए या डी बेस बोलिए, बोथ आर सेम, ये ओपन ऑफिस का यूज है। जैसे टेबल बनाने की टोटल 3 methods है, आप एक ही डेटाबेस में मोर देन 5
10-15 एज पर योर रिक्वायरमेंट टेबल बना सकते हो। तो दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, जैसे ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप के बारे में, डेटा के बारे में क्लैरिफाई करेंगे ज़्यादा। एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आपके मोबाइल के अंदर फोन नंबर है और व्हाट्सअप, क्या दोनों में क्या रिलेशनशिप है और दोनों में क्या इंपॉर्टेंट लिंक है। यू नो वेरी वेल, व्हाट्सएप के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना हो तो सबसे पहले मुझको क्या ऐड करना पड़ेगा, कंपल्सरी अनदर पर्सन का मोबाइल नंबर में फ़ोन नंबर क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही व्हाट्सएप में आपको उसका अपडेट मिलेगा। आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे रिलेशनशिप का क्या मीनिंग समझ आ रहा है। नेक्स्ट, उसके अंदर उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। दैट्स मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटीग्रिटी, यस, ये दोनों के अंदर मास्टर टेबल कौन सा है, किसके ऊपर इफेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर इफेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट वन नो एक्शन, जैसे एग्जांपल ये टेबल के अंदर मैं कोई भी चेंजेस करूंगा उसकी इफेक्ट ये टेबल पे नहीं होनी चाहिए, दैट्स मींस, राइट। देन अपडेट कास्केड, यहां पे जो मैं चेंजेस करता हूं ये टेबल के अंदर उसकी इफेक्ट यहां पे ऑन द स्पॉट आनी चाहिए। थर्ड, सेट नल, जैसे ये टेबल के अंदर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ उसकी जगह पे यहाँ पे कोई चेंजेस अलाउड नहीं है, बट उसकी जगह पे क्या कर देगा, सेट नल, नल मींस व्हाट, एम्प्टी, वो बॉक्स को, वो रिकॉर्ड को एम्प्टी करेगा। आई होप सो थोड़ा सा लिटिल बिट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तभी तो नेक्स्ट सेशन के साथ आप लिंक क्रिएट कर पाओगे, और जो ऑलरेडी पार्ट 1 हम लर्न कर चुके हैं वीडियो के अंदर उसको ज्वाइन करने का ये इंपॉर्टेंट सेशन 1 है, तभी आपको सब समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाऊंगा, 110% आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। एटलीस्ट ये पूरा लास्ट एंड तक वीडियो प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। देन एडिटिंग एंड रिलेशनशिप, अभी आप बोलोगे सर रिलेशनशिप हमने लर्न किया, इसमें एडिटिंग कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है, यस, उसके भी टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 1-to-1 रिलेशनशिप, राइट, 1-to-1, जैसे 2 टेबल है, 2 टेबल डिजाइन करने के बाद, राइट, इसके अंदर 1-to-1 का रिलेशनशिप मींस व्हाट, 1 student 1 chair, 1-to-1 रिलेशनशिप। आई होप सो लिटिल बिट एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करवाएंगे, और भी एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। 1-to-many, अभी आप लोग ये सर कैसे, 1 student many subject, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट, स्टेट, राइट, यू लर्न इट। थर्ड, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी सब्जेक्ट, राइट, मैनी स्टूडेंट। तो ये सब एग्जाम्पल है रिलेशनशिप का। जब भी ऐसा कोई डेटाबेस बनाने स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स हैं, और भी मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपके माइंड में ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं तो ओनली फॉर यहाँ पे ये जो रिमेनिंग सेशन है उसका इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी मीन्स वॉट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ फील्ड, हम उसको बोला जाता था कॉलम। तो पार्ट 1 के अंदर टेबल के इंसाइड मैंने क्लैरिफाई किया था, पार्ट 1 के अंदर मैंने ओनली फॉर विजार्ड के थ्रू एक सिंगल टेबल बनाना स्टार्ट आपको लर्न करवाया था और स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे ये पार्ट के अंदर सेशन 1 से हम मल्टीपल टेबल भी बनाना स्टार्ट करते हैं, मोर देन 1 टेबल, और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, फील्ड प्रॉपर्टी के इनसाइड सबसे फर्स्ट कौन सा है, ऑटो वैल्यू, मींस ऑटोमेटिकली वैल्यू प्लस होता है, दैट मींस ऑटो इंक्रीमेंट, राइट, जिसमें हमको रिकॉर्ड एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एंट्री रिक्वायर, कंपलसरी उसमें रिकॉर्ड एंट्री करना पड़ेगा। लाइक जीमेल, जीमेल में लॉगिन करना हो तो कंपलसरी आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, वो भी राइट होना चाहिए, अदरवाइज वो आगे नेक्स्ट पेज में अलाउड नहीं करेगा। देन लेंथ, जो भी फील्ड है उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, लाइक पिन कोड कितने डिजिट का होता है, 6 से लैक्स आप एंटर करोगे तो अलाउड नहीं होगा, उससे ग्रेटर करोगे तो भी अलाउड नहीं होगा, ये लिमिटेशन लाने के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट पहले से हमको ये वैल्यू ऐड करके रख देनी है, जिसे एंट्री करने के टाइम जो टाइमिंग है वो लेस होना चाहिए, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे इन कंट्री कोड हम पहले से एडवांस में एंटर कर दे तो पर्सन एंटर करेगा
तो उसको डिफ़िकल्टी नहीं होगी और थर्ड पर एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर्मेट बेस्ट एग्जांपल दू, लाइक डेट का फॉर्मेट इंडिया के अंदर कौन सा है, वेरी गुड, DDMMYY, आउट ऑफ कंट्री MMDDYY, क्लियर है। बट मैंने यहाँ पे ओनली फॉर इंट्रोडक्शन किया है और इंट्रोड्यूस करवा दिया। बट अब हम लर्न करने वाले सेशन वन के इनसाइड, फर्स्ट इंसर्टिंग डेटा और एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल, सेकेंड डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एज वेल एज सॉर्टिंग डेटा इन द टेबल, ये दोनों पॉइंट्स हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर वन। सबसे फर्स्ट है इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। बट मैं आपको इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ आपके पास क्या होना चाहिए। पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर है, फर्स्ट ओपन द टेबल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इन टू द टेबल। आपके पास रेडीमेड टेबल होना चाहिए जो ऑलरेडी आपने डिजाइन किया होगा यूजिंग फॉर विजार्ड अदरवाइज डिजाइन मेथड। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना, टेबल ओपन करने की सेकंड मेथड कौन सी है, डबल क्लिक। उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे टेबल के आइकॉन के ऊपर, ऑन द स्पॉट टेबल का नेम होगा वो टेबल पैनल पे स्टार्ट हो जाएगी। उसका एक्स्ट्रा भी सब मेनू के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो। ओपन द टेबल एंड यू कैन हैड क्रिएटेड, आप नया टेबल भी डिजाइन कर सकते हो। और उसके अंदर एक नया पॉइंट आता है, उसको बोला जाता है डेटा सीट व्यू। उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड और डेटा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अब उससे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे देखो लुक वाइज ऐसा दिखेगा, इंसर्टिंग डेटा रिकॉर्ड एंट्री। अब देख रहे हो ना ये फील्ड है, एस कोड, सप्लायर नेम, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर। हो सकता है उससे भी एक्स्ट्रा आपको एंटर करना हो तो कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे हम रिकॉर्ड एंटर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल दूँ जैसे S001, राइट, ऐसा हम रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, बट एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए टेबल क्या है, फील्ड क्या है और कहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री करना है। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले क्लैरिफाई होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फॉर हाउ टू ओपन द डीबेस एंड ऑल द पॉइंट्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ तो डेटाबेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको जूमिंग के ऑप्शन के थ्रू कई पॉइंट्स दिखा देता हूँ। जैसे ऑल प्रोग्राम में चले जाइए जो ऑलरेडी पार्ट वन के अंदर भी क्लैरिफाई किया था, अगेन मैं रिवाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओपन ऑफिस बेस क्लियर करना है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको डेटाबेस ऑप्शन पूछा जाता है, दिख रहा है ना आपको। डेटाबेस विजार्ड के टोटल टू स्टेप है, हम यहाँ पे क्रिएटिंग न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है ना आपको। एरो के ऊपर मत फोकस करिएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जहां पे मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, और फिनिश। जैसे ये प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछेगा, और मैंने आपको पार्ट वन के अंदर भी क्लैरिफाई किया था डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होता है, .odb। तो ये पॉइंट्स में रिमूव करता हूँ और उसकी जगह पे मैं यहाँ पे सप्लायर है तो मैं सप्लायर का टेबल का नेम रखता हूँ, दिख रहा है ना आपको। ओके, सप्लायर रिकॉर्ड के अंदर जब मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, सप्लायर अंडरस्कोर डेटाबेस, यहाँ पे आप कोई भी नाम लगा सकते हो। मैं जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ, बट मैं सबसे फर्स्ट आपको एक टेबल बना के दिखाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, और एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .odb, क्लियर है। नेक्स्ट सेव बटन पे क्लिक करिएगा, फ्यू सेकंड के अंदर डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग इसे हुआ तो नहीं, वेट करिए, स्टार्ट होगा। जैसे डेटाबेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया है DBMS और RDBMS के अंदर टोटल 4 ऑब्जेक्ट है। टेबल कितनी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं, वेरी गुड, जिसने नोट्स बनाई होगी ओके पार्ट वन के अंदर उसको क्लैरिफाई, टेबल विजार्ड देन डिजाइन एंड व्यू, टोटल टेबल 3 मेथड से हम डिजाइन कर सकते हैं। देन कौन सा ऑप्शन आता है, क्वेरी, क्वेरी कितनी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं, 3, फर्स्ट वन डिजाइन, सेकेंड विजार्ड एंड थर्ड वन SQL। व्हाट इज द फुल फॉर्म SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट।
जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा एक सेशन क्लैरिफाई करेंगे, लॉट्स ऑफ टाइप की क्वेरी क्लैरिफाई करने वाले। इसके बाद फॉर्म, फॉर्म कितनी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं, टू, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन एंड सेकंड वन विजार्ड। एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन करने की एक ही मेथड है, अगेन रिकॉल करवा दे दो, टेबल थ्री, क्वेरी थ्री, फॉर्म टू और रिपोर्ट वन। इसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट क्लैरिफाई किया था विजार्ड के अंदर, आई होप सो यू आर रिमेंबर। विजार्ड के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस पूछे जाते हैं, टोटल टेबल विजार्ड के कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, फोर स्टेप हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस और पर्सनल के अंदर आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस के अंदर देखोगे तो यहाँ पे रेडीमेड टेबल का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, जिसमें से मैं सप्लायर सिलेक्ट करता हूँ, दिख रहा है ना आपको, सप्लायर सिलेक्ट किया है, तो सप्लायर के अंदर कौन से फील्ड आपको चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है एस कोड, तो एस कोड यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स मीन सप्लायर आईडी। मैं ये फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ, ये बटन के बारे में भी हमने क्लैरिफाई किया था। उसके बाद सप्लायर नेम एंड देन एड्रेस लाइन वन, यहाँ पे तो है नहीं, डोंट वरी, हम यहाँ पे बाद में चेंजेस करेंगे, लाइक एड्रेस, देन एड्रेस लाइन टू, हम एड्रेस ही लगा देते हैं। उसके बाद क्या नाम लिखा है, सिटी, देखो मैंने आगे वाले प्रेजेंटेशन के अंदर क्लैरिफाई किया था। देन पिन कोड, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको पोस्टल कोड भी बोला जाता है। देन कॉन्टेक्ट नंबर पर्सन, राइट, कॉन्टेक्ट पर्सन, अदरवाइज नेम, ये मैंने ऐड किया। देन ईमेल आईडी, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर, ईमेल आईडी भी बोल सकते हो, ईमेल एड्रेस भी बोल सकते हो। देन लास्ट वन कॉन्टेक्ट नंबर, अदरवाइज फोन नंबर, क्लियर है। बाद में हम फील्ड को एडिटिंग भी कर पाएंगे। तो मैंने बिजनेस में से सप्लायर नाम का टेबल को सिलेक्ट किया और एज पर रिक्वायरमेंट मैंने क्या सिलेक्ट किया, फील्ड। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे जाएगा। अभी यहाँ पे एक ध्यान रखना है, सप्लायर आईडी का पूरा नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह पे मैं एस कोड लिखना बेटर ऑप्शन है। तो मैं एस अंडरस्कोर कोड लिखता हूँ, मुझको फील्ड नेम चेंज करना है, कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। इसके बाद सप्लायर नेम, तो वही का वही रखना है तो लगा सकते हो। एड्रेस, तो एड्रेस में भी आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फुल एड्रेस, राइट। देन सिटी, सिटी के बाद क्या है ऑप्शंस, पिन कोड, अभी यहाँ पे पोस्टल कोड है बट मुझको ऐसे 20 है भाई, यहाँ पे मैं पिन कोड वर्ड यूज करूँ, डोंट वरी आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, पिन कोड, ओके। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट नेम, यहाँ पे मुझको कॉन्टेक्ट पर्सन नेम लिखना है, चलो ये भी लिख सकते हैं भाई पर्सन नेम, बट आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो फील्ड नेम के मैंने रूल्स समझाए थे, उसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। अभी ईमेल एड्रेस की जगह पे मैं ईमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, डोंट वरी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है आईडी। एंड देन फोन नंबर, अभी आप लोग सर फोन नंबर है उसकी जगह पे कॉन्टेक्ट नंबर रखे दो, डोंट वरी रख सकते हो आप, समझ में आ रहा है आपको, यस yes. तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। कॉन्टेक्ट नंबर, एस कोड, तो उसका डेटा टाइप कौन सा है, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, इंटीजर, आप चेंज कर सकते हो। सप्लायर नेम, टैक्स वेयर चेयर, ये रेडीमेड सिलेक्ट करके दे दिया है, आप खुद का भी डिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पूरा ये पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। एड्रेस, एड्रेस के अंदर आप मेमो भी लिख सकते हो, अदरवाइज टैक्स वेयर चेयर भी लगा सकते हो। सिटी, उसमें लेंथ 50 है, आपको लेस करना हो तो लेस कर सकते हो। पिन कोड, यू नो वेरी वेल पिन कोड क्या होता है, नंबर में होता है, फिर भी हमने टैक्स वेयर चेयर लिया है, उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेरी के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। और उसकी लेंथ मैं यहाँ पे 6 लगा देता हूँ, क्यों, पिन कोड के कितने कैरेक्टर की अलाउड है, ओनली फॉर 6। देन कॉन्टेक्ट पर्सन, तो उसमें भी ऐसे ही है। नेम, नेम 50 के ऊपर आ जा सकता है। ईमेल आईडी, टैक्स वेयर चेयर और कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर कितने डिजिट का होता है, 10, तो मैं 30 की जगह पे 10 लिख देता हूँ, क्लियर है ना। आपको यहाँ पे फील अप डाउन करना हो तो अप डाउन यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल एड्रेस है, ओके,
एड्रेस कहाँ गया, फुल एड्रेस, उसमें मुझको कोई फील्ड ऐड करना है और उसमें मैं लिखता हूँ फुल एड्रेस है, फुल एड्रेस की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ एड्रेस वन सेम, मुझको यहाँ पे जो फील्ड मैंने ऐड किया है वहाँ पे क्या लिख देता हूँ एड्रेस लाइन टू। समझ में आ रहा है आपको, एड्रेस लाइन टू। तो आप ऐसा कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो जिससे आपको मिसमैच नहीं हो, और मैं एज यूजुअल सेम रेफरेंस बुक में जो टेबल्स हैं उसको बना के आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, इसके लिए सेम मैं यूज़ करना चाहता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना। आप लोग सर ये तो यहाँ पे है, डोंट वरी, इसको हम अप डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है, एस कोड, सप्लायर नेम, एड्रेस लाइन वन। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप जो चेंज करना चाहते हो सब चेंजेस कर सकते हो, राइट। एड्रेस लाइन टू, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी एंड फील्ड। नेक्स्ट बटन पे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे प्राइमरी की सेट करना कंपलसरी है, तो हमने रूल्स ऐसे लर्न किया था कंपलसरी वन टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम वन प्राइमरी की होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा भी हम ऐड कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। हम यहाँ पे एग्जिटिंग सिलेक्ट करते हैं और एस कोड मीन्स सप्लायर कोड, उसको एक यूनिक आईडी बना देते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं और मैं यहाँ पे टेबल का नेम लिखता हूँ सप्लायर्स टेबल यूजिंग विजार्ड ऑप्शन। अब देख रहे हैं ना ये पॉइंट्स, ये नेम भी मैंने यहाँ पे वही लिखा है जिससे आपको क्लैरिफाई होगा विजार्ड के थ्रू ऑप्शन कैसे होता है और नॉर्मल कैसे होता है और फिनिश करना है, तो एक टेबल बन के रेडी हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, जहां मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था सेम ऑप्शन से। अभी यहां पे ये इसको क्या बोला जाता है, वेरी गुड, क्या बोला जाता है, डिजाइन व्यू के इनसाइड डेटा सीट व्यू। ये एस कोड सप्लाई नेम, यहां पे हम रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आप उसकी फील्ड को भी रिसाइज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर नहीं करता, वन या टू रिकॉर्ड एंटर करके हम नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं, जैसे S001। देखो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे अल्फाबेट अलाउड नहीं है। मैं ऐसे 11 एंटर करता हूँ, सप्लाई नेम में मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, एड्रेस लाइन में लिखता हूँ 24, ओके खुद को भी एड्रेस लगा सकते हो, कंपलसरी कि सेम होना चाहिए। ओके सिटी बड़ौदा लगा दो, पिन कोड को भी अपने हिसाब से अपन कितने डिजिट का होना चाहिए, वेरी गुड 6 है, 6 से ज्यादा एंट्री करोगे तो अलाउड नहीं होगा क्योंकि एरर जनरेट होगी। कॉन्टेक्ट पर्सन नेम राइट, अर्जुन, ईमेल आईडी, तो पूरा ईमेल आईडी लिख देता हूं, gmail.com और फील्ड एक्स्ट्रा जो भी आपको ऐड करना हो तो राइट। जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर जाऊंगा, अभी आप देख रहे हो यहां पे एड्रेस लाइन टू के अंदर कुछ गड़बड़ी है कि डेटा टाइप आपने प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपको अलाउड नहीं करेगा। जिसे मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 उसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कोई एडिटिंग करना हो रिकॉर्ड के अंदर तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लोज करोगे नो चेंज, राइट क्लिक करना है और एडिटिंग करना है, जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर भी क्लैरिफाई है। यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, इंटीजर है, टेक्स्ट वेरिएबल है, सब है, सब फील्ड है, ये फील्ड का कोई काम नहीं है, राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे वहां पर भी अलाउड है, यहाँ पे इंटीजर की जगह पे आप क्या लिख दो, टेक्स्ट वेयर चेयर। इसे कंपलसरी नहीं कि यही रखना है, जैसे कॉन्टेक्ट है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे देखो फील्ड प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने लास्ट में आपको समझाया था राइट है, एड्रेस तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी है 10 से ज़्यादा हम एंटर कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। ओके यहाँ पे भी 200 कर देते हैं, जैसे डेटा टाइप यहाँ पे चेंज है, और जहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है उसकी जगह पे 50 की जगह पे कितना करते हैं 10, और जहाँ पिन कोड है वहाँ पे 6 है राइट है। तो मैंने ये चेंजेस किया, दिख रहे हैं ना आपको, प्राइमरी राइट क्लिक करके सेट करते हैं।
ओके तो ये मैं ओनली फॉर आपको प्रैक्टिकल इसके लिए समझा रहा हूँ जिससे आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। सेव करिएगा, एंटर करिए। वापस एंट्री करने के लिए अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए अभी जो प्रोसेस समझाई वो कि मैंने क्या किया, विजार्ड का यूज़ करके टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। अभी इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी हमको रिकॉर्ड एंट्री करना है तो मैं क्या करूँगा, ओपन, ये फर्स्ट मेथड है, अदरवाइज डबल क्लिक करके भी आप एंट्री ले सकते हो। ये सेम लुक आपको यहाँ से भी मिलेगा। अभी हम ट्राई करते हैं S001, जो भी देखो मैंने रिकॉर्ड भी एंटर किया। नेक्स्ट करते हैं सेम, अभी थोड़ा स्पीड से मैं आपको समझा देता हूँ, 24 ओके पिन कोड कॉन्टेक्ट नंबर, अभी देखना सेम रिकॉर्ड आपको यहां पे रेडी मिल जाएगा। .com नेक्स्ट करता हूँ, रिकॉर्ड कर्सर यहाँ पे आ गया, समझ रहे हैं ना अभी आप। तो यहाँ तो वही तो मैं क्लैरिफाई करी, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड का पॉइंट सिंबल देखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड का सिंबल जो नेक्स्ट थ्योरी हम लर्न करने वाले यहाँ पे क्लैरिफाई करके S002, देखो यहाँ पे पेंसिल का सिंबल आ गया, दिख रहा है आपको, पहले कुछ अलग था यहाँ पे कुछ अलग है। प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे तभी समझ में, इसके लिए मैंने जूम ऑप्शन ही रखा हुआ है। ओके नेक्स्ट सेम, सोसाइटी वापी ये ओनली फॉर, मैंने रॉन्ग डिटेल्स डाली है जानबूझ के, तो बी केयरफुल, ऐसे कंपलसरी नहीं, जब भी आपको ऐसे वीडियो दे रहे हो या ऐसे कुछ डिटेल्स है तो रॉन्ग डिटेल्स ही डालने का होता है, तो बी केयरफुल। यहाँ पर भी सेम मैं अर्जुन का कांटेक्ट करना चाहता हूँ और सेम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, xyz@gmail.com। ये रिकॉर्ड है, क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे पेंसिल है, जब तक यहाँ पे कर्सर होगा तो ये कर्सर होगा, जैसे नेक्स्ट में जाऊँगा तो ब्लैंक है, दिख रहा है ना आपको। तो रिकॉर्ड एंट्री करना इंपॉर्टेंट है, जैसे S003 यहां पे वापस कुछ एंट्री कर दें, निलय कुमार ABC सोसाइटी न्यू कोसाड रोड सूरत पिन कोड 395107, वो वापस हार्दिक सर का कांटेक्ट करना चाहते हैं और उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, nilay_@gmail.com yahoo.com जो भी ऐड करना है। ये फोर्थ रिकॉर्ड अभी देख रहे हो, टोटल यहाँ पे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हैं आपको कर्सर फोर्थ है। ये बटन का पॉइंट्स भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, इसके बाद ही ये पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन होगा। तो मैंने टोटल कितने रिकॉर्ड एंटर किए हैं, वेरी गुड 3, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये टेबल को कैसे ऐड करना है, प्रोसीजर कैसे करना है, ये सब हमने पॉइंट्स क्लैरिफाई किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चेक करने वाले, इसके बाद ही यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे। तो आप होप सो आपको समझ में आ गया रिकॉर्ड को कैसे ऐड करना है, पर इससे पहले आपके पास टेबल होने चाहिए। यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होगा, आपका कर्सर यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड देखेगा। ये बटन के बारे में भी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल, डेटा के अंदर इंसर्ट कैसे किया जाए, जैसे मैंने आपको पहले ही आपको इन्फॉर्म किया, फील्ड नेम इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। फील्ड नेम कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल, लाइक सप्लायर कोड नेम ओके कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा होता है, दैट को फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन कंसिडर द फील्ड नेम इज नॉन एज अ टाइटल लाइन, क्या बोला जाता है, जो मेन लाइन है उसको क्या बोला जाता है, टाइटल लाइन। टाइटल लाइन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी बॉक्स होता है,
हमने पहले ही देखा था ना, एम्प्टी बॉक्स होता है, ओके, उसको बोला जाता है डेटा एंट्री रिकॉर्ड, जहाँ मैंने टोटल कितने रिकॉर्ड एंट्री किया था, 3। दैट बॉक्स इज द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट फील्ड, तो सबसे पहले फर्स्ट फील्ड से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने सप्लाई नेम के अंदर S01 के अंदर मेरे खुद का नाम लिखा था, याद है, वो बॉक्स है, उसको बोला जाता है रिकॉर्ड। अभी देखो उसका इंडिकेटर मैंने आपको समझाया था, मे बी आपको मालूम हो, दिस बॉक्स कंटेन अ पॉइंटिंग एरो साइन। तो रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स होता है जहाँ लास्ट में ऑप्शंस अवेलेबल था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सही, बट इसको बोला जाता है रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकॉन। ये सिंबल याद रखना है क्योंकि कई टाइम वाइवा और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के अंदर पेपर में ये ड्रॉ किया हुआ होता है। रिकॉर्ड सिलेक्टर आइकॉन वो क्या करता है, जो भी फंक्शन है मेथड है, जैसे ब्लैक पॉइंटिंग आइकॉन भी अवेलेबल है, दिख रहा है ना आपको, प्लीज इसको भी नोट डाउन करिएगा, जो इंडिकेट क्या करता है करंट रिकॉर्ड। मैं प्रैक्टिकल में भी आपको ये सब ऑब्जर्व करवाने वाला हूँ, इसके बाद ही ये सब पॉइंट समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं, इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो आपको ऐसा कुछ आइकॉन दिखाई दे रहा था, मना मत करना, ओके, ये सब यहाँ पे, इसके लिए तो मैं आपको सब क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। और फ्लेस द एंड ऑफ, ये क्या मीनिंग हो, क्या होता है, टेबल का एंड है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड के इंसर्ट भी अवेलेबल है। पेंसिल जो सा आइकॉन था उसको क्या बोला जाता है, एडिटिंग आइकॉन, दिखा था आप ऐसे, ओके, चलिए मैं आपको ऑब्जर्व करवा दे दो, इसके बाद ही समझ में आएगा। इसके मैंने जान मुझके मैंने कितने रिकॉर्ड एंट्री किए, 3, इसके बाद ही आपको समझ में आए। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको जो ऑब्जर्व, ये रिकॉर्ड दिख रहा है, ये लास्ट रिकॉर्ड ऐसा दिख रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना और एंट्री करना स्टार्ट कर दो, S00, देख रहे हैं ना पेंसिल का सिंबल आ गया। तो ये सब सिंबल याद रखना है भाई, ओके, जैसे नेक्स्ट विशाल XYZ सोसाइटी AK रोड सूरत, पिन कोड नंबर डाल देते 7, कॉन्टेक्ट करना चाहते हो और उसका आईडी डाल देते हैं, तो ये ऑब्जर्व करना। जब मैं रिकॉर्ड एंट्री कर रहा था तो पेंसिल का सिंबल है, यहाँ पे देखो कौन सा है, दिख रहा है ना आपको, ऑब्जर्व कर लेना प्लीज, पेंसिल, जैसे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ वो इरेज हो जाता है और वापस एक्शन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी ऐसे लॉट्स ऑफ सिंबल अवेलेबल है, टोटल कितने रिकॉर्ड है, 5, क्यों, नेक्स्ट पॉइंट में, तो उसको ऊपर टॉप पे जाना है तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। देखो ये बटन्स मैं अभी आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, एक एक बटन गए, ये फर्स्ट के ऊपर जा रहा है, ये सबसे लास्ट में जा रहा है, एक एक बटन मिस एक रिकॉर्ड अप आना है तब, ये जूमिंग में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट के थ्रू ये न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है। तो आई होप सो आपको रिकॉर्ड एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगा टेबल के इनसाइड, क्लियर है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ये बटन जो मैंने आपको हाईलाइट करके रखे है प्लीज इसको भी नोट डाउन करिएगा, डेटा शीट व्यू आफ्टर द इंसर्टिंग रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको समझा है ना, ये इसके लिए मैंने जान मुझ के यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री कर दिया है, भाई टोटल कितने रिकॉर्ड है, 4, दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 रिकॉर्ड है टोटल रिकॉर्ड, करंट पोजिशन यहाँ पे दिखाई देती है। ये बटन कौन सा है, फर्स्ट रिकॉर्ड का, इसके बाद न्यू रिकॉर्ड का, देन लास्ट रिकॉर्ड का, तो ये फर्स्ट है तो इसके अपोज में यहां पे एंड है, ये न्यू रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है और प्रीवियस के लिए। So, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके, नेक्स्ट एडिटिंग द रिकॉर्ड, जो ऑलरेडी मैंने एग्जिटिंग किया उसके अंदर रिकॉर्ड एडिटिंग कैसे करते हैं उसके भी टोटल 2 मेथड्स के बारे में क्लैरिफाई किया है। जो ऑलरेडी डेटा रिकॉर्ड एंट्री कर लिया है उसके बाद उसमें कैसे करेक्शन करना है, इसमें कैसे चेंजेस करना है उसके बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। आफ्टर द करेक्ट द डेटा एंट्री रिकॉर्ड हियर टू चेंज हाउ टू करेक्ट द यूज, जो प्रोसेस ऑफ द करेक्टिंग द डेटा
उसको क्या बोला जाता है, एडिटिंग। समझाता हूँ विथ प्रैक्टिकल, जिसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री कर दिया था और देख रहे हो ना यहाँ पर रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने राम भाई लिखा है बट उसके नाम के अंदर मुझको चेंज करना है, राम भाई नहीं है राम कुमार है, समझ में आ रहा है। विशाल लिखा था उसकी जगह पे मैं विशाल भाई लिख रहा हूँ। ओके, पिन कोड, ये पर्सन यहाँ पे अर्जुन को नहीं, स्पेलिंग गड़बड़ी की है, दिखे रहा है आपको, मैंने जान मुझ के तो मुझको उसको अर्जुन, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एडिटिंग कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है आपको, दैट गो फॉर एडिटिंग। तो टू मैथड्स है, सिलेक्ट करके कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल एडिटिंग का बटन पे क्लिक करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एडिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, ऐसा आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, स्मॉल पॉइंट्स हैं उसके बारे में क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिलीटिंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डिलीट कैसे किया जाता है, तो उसकी भी टोटल कितनी मेथड है, टू। डिलीटिंग मेथड करने की टू मेथड है, कीबोर्ड में से प्रेस करना है डिलीट की, अदरवाइज राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर ध्यान रखना है ये कोई रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में नहीं जाता। ओके, चलो इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तभी आपको ये सब समझ में आए। जो इसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड एंट्री किए हैं बोले, 4 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, बट बाद में आपको लगे सर ये हार्दिक सर का रिकॉर्ड मुझको डिलीट कर देना है, तो यहाँ पे कीबोर्ड में से भी डिलीट करोगे आप, तो आपको पूछा जाएगा यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड, बाय डिफॉल्ट नो में, जैसे मैं यस करूँगा वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। दूसरी मेथड है, ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, डिलीट रो सिलेक्ट करूँगा और अगेन पूछा जाएगा यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, मैं बोलूँगा यस, तो आपको 4 में से टोटल कितने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, 2 ही, राम एंड विशाल। और ये राम को भी मैं चेंजेस करता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही चेंजेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्जुन, तो ये एडिटिंग भी पॉसिबल है, डिलीटिंग भी पॉसिबल है, यहाँ से भी ऑप्शन है। जैसे सिलेक्ट करोगे आप कोई भी रिकॉर्ड को तो यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है, कट कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड करने का ऑप्शन है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये हुआ मेन ऑप्शन। ओके, आप यहाँ पे एडिटिंग करना अलाउड नहीं है, चेंजेस करना अलाउड नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ जिसे वापस मेरा, तो जिसे आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेगा, जैसे एग्जाम्पल अर्जुन, बलदेव, सेम 27, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, और वो कांटेक्ट करना चाहता है अर्जुन का, ईमेल आईडी डाल देते हैं, समझ में आ रहा ना मैं क्यों ऐसे डालो, मिस रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी डाल सकते हो पर मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी मैं टेम्परे आपको स्टडी करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे ये मैंने ऐसा रिकॉर्ड क्यों एंटर किया उसका रीजन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, डिलीटिंग द रिकॉर्ड जिसे मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, डिलीट करने के लिए आपको यस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, बट इसको वापस नहीं आ रहा, ये बॉक्स को बोला जाता है अलर्ट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, सॉर्टिंग करना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सॉर्टिंग, वेरी गुड, अरेंज करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना, दैट गो फॉर सॉर्टिंग, अरेंजिंग इन द टेबल इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। आपको कैसे अरेंज करना है, तो उसके लिए भी टू मेथड है, बटन है शॉर्टकट की मैं आपको दिखा दे दूं, असेंडिंग बटन एंड डिसेंडिंग बटन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉर्टिंग का खुद का बटन अवेलेबल है, उसके ऊपर भी आप अरेंज कर सकते हो। ओके, और टोटल 3 मेथड से सॉर्टिंग कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शंस मींस टोटल 3 फील्ड है, 1 फील्ड सेलिंग प्राइस एंड 3rd फील्ड। ओके, चलो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना, देखो ये जैसे मैंने क्लिक किया ये एस कोड के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, एस कोड में क्या है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ओके, 4 यहाँ पे, दिख रहा है, सिलेक्ट किया
और मैं ये ऑप्शन देता हूँ, सॉर्टिंग असेंडिंग, सॉर्टिंग डिसेंडिंग, और ये नॉर्मल सॉर्टिंग है, तो ये नॉर्मल असेंडिंग हुआ तो आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। कौन से फील्ड सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे लोग एस कोड किस में अप्लाई करना है, असेंडिंग में, ओके। तो देखो यहाँ पे 0, 1 एंड 2, पहले क्या था, प्रॉपर अरेंज नहीं था, आपकी वजह से इसको डिसेंडिंग सिलेक्ट करिए, डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, 4, 2, 1 आ गया। तो आपको अल्फाबेट में अरेंज करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, तो ए टॉप पे आ गया। तो सॉर्टिंग दोनों में से हो सकता है, बट आपकी वजह से सर मुझको यहाँ पे पर्टिकुलर 3, टोटल 2 फोल्ड फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है, सप्लायर एस्कोर्ट के ऊपर मुझको असेंडिंग चाहिए और सप्लायर नेम है और डिसेंडिंग चाहिए। तो ऐसे टोटल कितने ऑप्शन यूज कर सकते हो, 3। पिन कोड है यहाँ पे क्लैरिफाई एज डिसेंडिंग, ओके करोगे होगा पॉसिबल तो हो जाएगा, समझ मारा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहेगा। तो आई होप सो ये डेटा एंट्री करने के बाद मैंने आपको टोटल कितने ऑप्शन किया, पहले एग्जीक्यूटिंग टेबल रेडी होना चाहिए, उसमें डेटा इंसर्ट किया, इसके बाद एडिटिंग किया, एडिटिंग कितनी मेथड से, 2, डिलीट किया 2 मेथड से, और सॉर्टिंग किया टोटल 2 मेथड से, ओके। और कितने फील्ड में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं एट द टाइम, वेरी गुड, 3 ऑप्शन के अंदर। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और टेबल क्रिएट करने के बाद उसको सेव करना भी आना चाहिए, कंट्रोल प्लस एस करोगे तो सेव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।